हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट कैरियर क्लासेस। तो आज आमर टॉपिक रही भारतीय जातीय आंदोलन और गांधी जुगर तृतीय भाग। तो यार आम दुईटा पार्ट ऑलरेडी पढ़ी सारी, तो आज आम थर्ड पार्ट टी पढ़ा। तो वीडियो स्टार्ट करने पूर्व जदि आप वीडियो भल लगुच तो वीडियो को लाइक करूँ, सेयार करूँ, सांग सहित सेयार करूँ, चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु। तो आम गत क्लास देखी महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन। तो आज क्लास रे देखा महात्मा गांधी खेड़ा आंदोलन, यापर आम देखा अहमदाबाद लुगा कारखाना आंदोलन, और देखा रावलात आईन विरोधी आंदोलन। ठीक अच्छे, तो प्रथम आम देखीद महात्मा गांधी। तो स्टूडेंट्स एवं आम देखा अहमदाबाद लुगा कारखाना आंदोलन। ठीक अच्छे, तो प्रथम जानवा कारण कौन अहमदाबाद जो लुगा कारखाना आंदोलन होबार कारण कौन। ठीक अच्छे, तो चलो आम प्रथम जानवा अहमदाबाद जे गुजरात गोटे सिटी, गुजरात गोटे सेकेंड हाइएस्ट सिटी जो थे कि अधिक परिमाण में लुगा कारखाना गुड़िक अवस्थित था। तो अहमदाबाद अंचल से अधिक लुगा पर मिलूला लुगा कारखाना था, से लुगा कारखाना सहस्र वर्कर मैंने काम करते, सहस्र वर्कर मैंने काम करते। तो 1970 मसीह प्लेग रोग होगा द्वारा से जो अहमदाबाद अंचल 10% जनसंख्या साधारणतः प्लेग रोग आक्रांत हो मृत्युवरण कले। जेहेतु सहर 10% लोक मृत्युवरण कले, तो से जो लोक मान मृत्युवरण करने द्वारा तार इफेक्ट कारखाना उपरे पड़ा। किपरि ना कारखाना साधारणतः वर्कर मान संख्या धीरे धीरे कमे लगला, जेहेतु सहर जनसंख्या कमुची तो सेपरि वर्कर जनसंख्या धीरे धीरे कमला। तो वर्कर कमिला एक रे, दुई रे कौन ना कि वर्कर से प्लेग रोग निजी बचाईपाई तो से सहर छाड़ी अन्य सहर को पलाईगले, जहाद्वारा कौन है ना कारखाना वर्कर मान संख्या कमे द्वारा कारखाना प्रडक्ट ठीक तैयारी हो पारा ना। तो जेहेतु प्रडक्ट ठीक तैयारी नाला तो मानने मार्केट रू से मैं जी परिमाण डिमांड आसूला से डिमांड को फुलफिल हो पार ना, जहाद्वारा कि आम मालिक मान प्रबल लॉस है। तो से वर्कर मानक अटकई रखापी कारखाना काम करने तो से बोनस दे कौन कहला ना जहाँ कहला प्लेग बोनस। तो मन रख प्लेग बोनस पे मैंने क्या कह जाए, तो वर्कर अहमदाबाद लुगा कारखाना वर्कर मानक अटकई रखापी काम करने 1970 मसीह मालिक मैंने एक प्रकार बोनस देते, जो बोनस को कौन कहला प्लेग बोनस कहला। कौनपाई ना से प्लेग रोग व्यापी थे वर्कर मानक से कम करने एक पर बोनस दिखाला कहला प्लेग बोनस। तो ये तो गला प्लेग बोनस। तो जेहेतु प्लेग बोनस दिखाला 1918 मसीह कौन हो 1918 मसीह प्लेग रोगटी संपूर्ण रूपे बंद हो जाता, प्लेग रोगटी संपूर्ण रूपे मुक्त हो जाता, से अंचल प्लेग रोग मुक्त होता, जहाद्वारा कि मालिक मैंने जो प्लेग बोनस दूसरे धीरे धीरे बंद करदे। जेहेतु मालिक मैंने प्लेग बोनस बंद करदे तो कौन हो लक्ष्य करो ना वर्कर बा श्रमिक मालिकों मध्य कलह स्टार्ट होता। तो श्रमिकों कहवा अनुसार जेहेतु 1914 मसीह प्रथम विश्वयुद्ध स्टार्ट होता, तो प्रथम विश्वयुद्ध स्टार्ट होगा जो दरदाम सब जिनस दरदाम वृद्धि होता, तो जिनस गुड़िकर जो दरदाम वृद्धि हो तो सेतु मालिक श्रमिक मानू जो साधारण परिस्थिति जी खर्च हाँ टाँचा तो अधिका टाँचा से खर्च हे से अधिका टाँचा मजूरी दरकार से मूँ। तो से दाबी कले कौन ना से जो प्लेग बोनस दिखाला दि जाऊ, कि मालिक मैंने ओहरी आसते तो से दे बंद करदे, जहाद्वारा कि श्रमिक आ लुगा कलर मालिक मान कलहर सूत्रपात है। ठीक अच्छे, तो से अहमदाबाद अंचल जड़े इंग्रेज जिलापाल रही थे, तो से इंग्रेज जिलापाल किए ना महात्मा गांधी जड़े मित्र थे, तेणु से महात्मा गांधी को ये जो मालिक आ श्रमिकों मध्य कलहर हस्तक्षेप करने को अनुरोध करते। तो अनुरोध क्रमे महात्मा गांधी से अहमदाबाद अंचल होता मालिक आ श्रमिक मान कलहर जो हस्तक्षेप कले, से एक ट्रिब्युनाल गठन करते, मन रख कौन गठन करते ट्रिब्युनाल गठन करते, जो थे कि उभय पक्ष जेपरिक तो मालिकों को श्रमिक मानक नहीं गोटे ट्रिब्युनाल गठन करे, और से ट्रिब्युनाल से एक समस्या समाधान करने को चेष्टा करते, मालिक मानक राजी कराई कौन ना से 35% बोनस मिलवाई।
କିନ୍ତୁ ମାଲିକମାନେ ଏଥିରୁ ଓହରି ଯାଇ କେବଳ 20% ମଜୁରି ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମଜୁରି ମିଳୁଥିଲା ତାର 20% ଅଧିକ ବୋନସ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କଲେ। ମାତ୍ର ଶ୍ରମିକମାନେ କେତେ ମାଗୁଥିଲେ ନା 35% ମଜୁରି ମାଗୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଶ୍ରମିକମାନେ 35% ମଜୁରି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମାଲିକମାନେ ସେଥିରେ ରାଜି ନହେଲେ। ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ନା ମାଲିକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କ'ଣ ନା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ବୁଝାଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ। ତ ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ହେଲା, ତ ତା'ର ରିଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା। ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଶ୍ରମିକମାନେ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ତ ତାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଇଂରେଜ ସରକାର, ବା ସାର୍ ଏଇଠି ଇଂରେଜ ସରକାର ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଆମର ମାଲିକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦାବିରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ 35% ମଜୁରି ବୃଦ୍ଧି କଲେ। ଏହା ଥିଲା କ'ଣ ନା ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଲୁଗା କାରଖାନା। ତ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ, କାହିଁକି ଓ କେବେ ହୋଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 1918 ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନଟି ହୋଇଥିଲା। କେବେ ନା 1918। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟର ଖେଡ଼ା ଏକ ବହୁତ ଏକ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା, ଯାହାକି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ କପା ଚାଷ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଓ ଏହା ସହିତ କିଛି ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ 1918 ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ତ 1918 ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଖେଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ, ବା ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଶସ୍ୟ ବହୁତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଏକ ନିୟମ ଥାଏ, ସେ ନିୟମଟି କ'ଣ ନା 1/4 କମ୍ ପରିମାଣରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ କୋହଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯଦି ଚାଷୀମାନେ ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତିକି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ତା'ର 1/4 ବୁଝୁଛି, ତା'ର 1/4 ଶସ୍ୟ ଯଦି କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ, ତେବେ ଇଂରେଜମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଟିକେ କୋହଳ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ, ଖର୍ଜଣା ଆଦାୟ କଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ, ତ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ, ତ ଯେହେତୁ ଶସ୍ୟ କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କୋହଳ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ, ଓ ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଲେ। ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକଜୁଟ ହେଲେ ଓ ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଖଜଣା ଦେୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସରକାରକୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ଏହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଚାଷୀମାନେ ଖଜଣା ଦେୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କ'ଣ କଲେ ନା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ଓ ଏହି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଯାହାଙ୍କୁ କି ଆମେ ଭାରତର ଲୌହ ମାନବ ଭାବରେ ପରିଚିତ, ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏଥିସହିତ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜ୍ଞାନିକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ରୂପେ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏବେ ଦେଖିବା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହା ଥିଲା ରାଉଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ରାଉଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ, କାହିଁକି ଓ ଏହା କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଚାଲ ଦେଖିବା। ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ରାଉଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହାକି 1919 ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ମନେ ରଖିବ। ତ ରାଉଲାତ ଆଇନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, 1919। ଏହା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ତ ଏକ୍ଜାମରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାମ କ'ଣ, ତା'ର ନାମ ହେଉଛି ରାଉଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ରାଉଲାତ ଆଇନ କ'ଣ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନକୁ ନେଇକି ବହୁତ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା। ଯେମିତିକି ଅନେକ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶାସନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଓ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବିପ୍ଳବ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା।
तो इंग्रज माने एही विप्लव को रोकिबा पई इंग्रज विचारपति जनक नाम थले तांको कोण ना लक्ष्य कर रावलात। तो तांको नेतृत्व रे एक कमिटी गठन कले ओई कमिटीर सुपारिश अनुसार रावलात आईन प्रणय होइतला। तमे जान पाइले रावलात आईन कोण ता मन रख इंग्रेज जड़े विचारपति रावला तांकर नेतृत्व में एक कमिटी गठन होता तो यही कमिटर सुपारिश अनुसार एक आईन प्रणयन होता यही आईन ना कौन रावलात आईन। तो यही आईन टी कौन थी देख यही आईन अनुसार जेकोसी भारतीय को गिरफ्त करी बिना विचार में कारागार में दंडित करने का व्यवस्था था। यार अर्थ कौन जदि इंग्रेज सरकार कौन से भारतीय मानू गिरफ्त कले तो प्रथम विचार कराला तो विचार पर दंड दिखाला कितु यही आईन अनुसार तो भारतीय मान गिरफ्त करने द्वारा कौन विचार न हो डायरेक्ट से दुई वर्ष दंड दुई वर्ष कारागार दंड दंडित कर। तो यही आईन विरुद्ध में सर्वप्रथम 1919 मसीह महात्मा गांधी एक कमिटी गठन कर यार सभ्य मानक यही आईन विरुद्ध में सत्य और अहिंसा पथर आंदोलन करने को बुझेते। तो मन रख के 1919 फेब्रुआरी मसरे तो महात्मा गांधी एक कमिटी गठन कले और से कमिटर जो सभ्य मैंने से सभ्य जवाहरलाल नेहरू हूँ कि वल्लभ भाई पटेल हूँ तो से कौन कहले ना तुम्हें सत्य और अहिंसा पथर यह आंदोलन को विरोध कर बहुत विरुद्ध सत्वे 1919 मार्च 18 मन रखिए डेटा 1919 मार्च 18 ब्रिटिश व्यवस्थापिका सभा रे एही आईन को गृहीत कर। आम जानते व्यवस्थापिकार काम कौन तो व्यवस्थापिकार काम हूँ आईन को तैयारी करवा। तो जेहेतु ये गोटे ब्रिटिश मानक व्यवस्थापिकार गोटे आईन तैयारी होता तेणु यही आईन को ब्रिटिश व्यवस्थापिकार उपस्थापन करागला केबे ना 1919 मार्च 18 और यह एक आईन में परिणत कर। तो रावलात आईन विरुद्ध आंदोलन में सुरेन्द्र बनर्जी श्रीनिवास शास्त्री तेज बहादुर साप्रू आदि अंशग्रहण कले। 1919 एप्रिल 6 तारीख सारा भारत में महात्मा गांधी हड़ताल पालन करने चेतावनी देते। तो मन रखे 1919 एप्रिल 6 तो यही आंदोलन केवल सारा मानने ओनली पंजाब नुहे दिल्ली कोलकाता मुंबई अमृतसर सबू अंचल को व्यापी जा। ठीक अच्छे तो यहपर कौन होपर रावलात आईन को मध्य कला आईन भी कहुए। तो मन रखिए रावलात आईन को कौन कहुए कला। एवं आम देखिले रावलात आईन विरोधी आंदोलन नेक्स्ट क्लास में आम देखा जालियांवाला बाग हत्याकांड और जो आम जो टॉपिक टी पढ़ले गांधी जुग तो या रिलेटेड जिते क्वेश्चन आंसर रो तो नेक्स्ट क्लास में आम डिस्कशन करवा। थैंक यू टू ऑल।